जाने माने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी कि FTII का नया चेयरमैन बनाया गया है। अनुपम खेर गजेंद्र चौहान की जगह नियुक्त किए गए हैं। गजेंद्र चौहान को 2015 में FTII का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जिसका कैंपस में काफी विरोध हुआ था। हालांकि तब बीजेपी सरकार ने कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया था। सामान्य तौर पर FTII के चेयरमैन का कार्यकाल 3 सालों का होता है। इससे पहले जब गजेंद्र चौहान को FTII का चेयरमैन नियुक्त किया गया था तो अनुपम इसके विरोध में खुलकर सामने आए थे। अमूमन सरकार के पक्ष में रहने वाले अनुपम ने इस नियुक्ति का खुलकर विरोध किया था। एक टीवी कार्यक्रम में अनुपम खेर ने गजेंद्र चौहान से सामने ही कह दिया था कि जब दुनिया भर में विश्व सिनेमा के फिल्मकार वहां आएंगे, गजेंद्र का उन लोगों से बात करना शर्म का कारण बनेगा, क्योंकि गजेंद्र इस पद को संभालने के योग्य नहीं है। उस समय अनुपम ने खुद FTII के चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया था, तब उन्हें अपनी योग्यता भी कम लगती थी। वैसे अनुपम खेर का अपना भी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। इस नियुक्ति पर FTII से जुड़े छात्र कह रहे हैं कि सरकार से जुड़े लोगों में अनुपम से बेहतर कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए उनको संस्थान के चेयरमैन के तौर पर लाना ही इकलौता उपाय बचा था।